गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो लेसन कल पढ़ा था हिस्ट्री का, द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, किस तरह अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ और उनकी शक्तियों का किस तरह विस्तार हुआ भारत में, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा आपको पेज नंबर 2, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हम पढ़ेंगे वहाँ तक आप रीड करें, समझें। सम मेजर हैपनिंग इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी। मेजर मीन्स होता है प्रमुख, हैपनिंग मतलब घटित होना। 15वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख चीज़ें यूरोप में घटित हुई। टर्क कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, रिनाइसेंस रिवोल्यूशनर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज क्रिएटेड फैसिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियंस टुवर्ड्स इंडिया एंड द फार ईस्ट। टर्क कैप्चर्ड मतलब अधीन करना। टर्क ने किसको अधीन किया? कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल के किसान को बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, उनको अपने अधीन किया। रिनाइसेंस रिवोल्यूशंस और नवीनीकरण की क्रांति ला दी। इन द फील्ड, किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, औद्योगिक क्षेत्र में। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोजें प्राप्त हुई, क्रिएट हुई। फैसिनेशन इन द आइज ऑफ यूरोपियंस, फैसिनेशन का मीन्स होता है मोह। यूरोप के लोगों ने इंडिया एंड द फार ईस्ट, पूर्व की तरफ मोह जाल बिछाया और अपने आप को अट्रैक्ट किया। द ट्रेडर्स वर फोर्सेस टू लुक फॉर मार्केट फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ट्रेडर्स वर फोर्सेड टू लुक, व्यापारियों ने भारत की तरफ फोर्स से देखा, मार्केट की तरफ देखा, व्यापार के लिए, इंक्रीज करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन उत्पादन किया ड्यू टू इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के दौरान। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है। वास्को डिगामा एंड बार्थोलोमियो डाइस टूक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी वाटर रूट टू फार ईस्ट। वास्को डिगामा एंड बार्थोलोमियो डाइस, ये दोनों यात्री थे जिन्होंने टास्क लिया, टास्क मतलब एक कार्य लिया। क्या लिया वो कार्य? डिस्कवरी वाटर रूट फॉर ईस्ट, कि हम पूर्व में जाने के लिए कैसे समुद्री रास्तों की खोज करें, उन्होंने ये टास्क लिया। एंड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 में। क्लियर? तो इस बात आप ध्यान रखें कि अमेरिका की खोज किसने करी और कब की। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492। क्लियर? बार्थोलोमियो डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487। इसी के दौरान बार्थोलोमियो को भी आशा जगी कुछ खोजने की। एंड वास्को डिगामा रिज्ड कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1498। और वास्को डिगामा जो है रिज्ड पहुंचा, कहां पर? कालीकट इन द वेस्टर्न, पश्चिमी तट पर, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी और कोस्ट मीन्स तट पर, इन इंडिया भारत में। कब? 1498। किंग जमोरिन वेलकम्ड हिम, और किंग जमोरिन नाम का जो राजा था उन्होंने उनका स्वागत किया। क्लियर? देन अब हम पढ़ेंगे पुर्तगीज इन इंडिया, पुर्तगाल के जो लोग थे वो इंडिया में कैसे आए और उनका शासन कैसे रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वास्को डिगामा अराइवल इन 1498 इन इंडिया। वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया की यात्रा करी। ओपन्ड द डोर फॉर अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, और यूरोप के जो दूसरे व्यापारी थे उनके लिए सारे दरवाजे व्यापार के खोल दिए। द एम्परर्स एंड किंग्स इन इंडिया वेलकम्ड द यूरोपियन ट्रेडर्स, और भारत के जो राजा थे और शासक थे उन्होंने इन लोगों का स्वागत किया फॉर वेरियस रीजन्स, बहुत सारे कारणों के कारण।
पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। पुर्तगाल पुर्तगीज जो थे वे पहले व्यापारी थे जिन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए कदम रखा। अ न्यू ईरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलप्ड बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामास अराइवल इन इंडिया। अ न्यू ईरा, ईरा मतलब युग, एक नए युग की शुरुआत हुई व्यापार के साथ, बिजनेस के साथ डेवलप्ड हुआ बिटवीन दो देशों के बीच में, बिजनेस डेवलप्ड हुआ, व्यापार डेवलप्ड हुआ जब वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल विथ फ्लीट ऑफ 13 शिप्स रीच्ड इंडिया इन 1500। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेस कैब्रल जो है 13 नौकाओं के साथ भारत पहुंचा, रीच्ड मतलब भारत पहुंचा। द पुर्तगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट। पुर्तगीज के व्यापारियों ने अपने क्या बोलना चाहिए कि व्यापारी अपने व्यापार को स्थापित किया, एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित किया, कहाँ पर किया, कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। ये क्वेश्चन आपका आएगा कि पुर्तगीज ने कहाँ कहाँ अपना ट्रेड जो है वो एस्टेब्लिश किया, तो आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि द पुर्तगीज ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। क्लियर। टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर। जो ज़्यादातर जो क्या व्यापार के साधन थे वो थे स्पाइसेस, मसाले एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च। दे फर्स्ट बिल्ट ए फोर्ट एट कोचीन इन 1503। उन्होंने फर्स्ट जो किला बनाया अपना वो बनाया कोचीन में, कब बनाया, 1503 में। क्लियर। फ्रांसिस्को डा अल्मेडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पुर्तगीज वाइस रॉय बाय पुर्तगाल इन इंडिया इन 1505। फ्रांसिस्को डा अल्मेडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय। वाइसराय मीन्स होता है सूबेदार। पहला सूबेदार जो था वो कौन था, फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, जिसको पुर्तगाल की सरकार ने वाइसराय अपॉइंट किया था इंडिया में 1505 में। विद द हेल्प ऑफ पुर्तगीज फोर्सेस ही टूक ड्यू अंडर हिज कंट्रोल। पुर्तगीज की शक्तियों के कारण उन्होंने दीव पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। द पुर्तगीज वाइसराय अल्बुक्वेर्क्यू स्नेच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने पुर्तगीज के वाइसराय अल्बुक्वेर्क्यू ने स्नेच्ड मतलब छीन लिया, किसको, गोवा के शासन को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह से, जो रूलर ऑफ बीजापुर इन 1509, जो 1509 में बीजापुर का शासक था। एंड दस पुर्तगीज स्लोली ऑक्यूपाइड देयर होल्ड ऑन दमन, सलसेट, बासेन, मुंबई, हुगली एंड सेंट टॉम, और धीरे धीरे ऑक्यूपाइड कब्जा कर लिया, पुर्तगीज ने कब्जा कर लिया कहाँ पर, दमन में, सेलसेट में, बासेन में, मुंबई में, हुगली में एंड सेंट टॉम में। इन दिस वे पुर्तगीज ट्रेडर्स बाय 1515 हैड नॉट ओनली द सोल कंट्रोल ओवर इंडिया। पुर्तगीज ने 1515 में नॉट ओनली द सोल, एकमात्र कंट्रोल नहीं किया ओवर इंडिया में, पूरे भारत में व्यापार का, परंतु बट दे आल्सो स्टार्टेड रूलिंग, उन्होंने इसके साथ में अपना शासन करना भी शुरू कर दिया ओवर द कोस्टल, जो भी सारे समुद्री तटीय इलाके थे उन पर, एरियाज आफ्टर एनेक्सिंग, उनको हड़प लिया और उन पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब हम पढ़ेंगे
डच इन इंडिया, ये हमने पढ़ा। पुर्तगीज इन इंडिया, पुर्तगीज के व्यापारी कैसे इंडिया में आए, कौन कौन आया, कैसे व्यापार किया और कहाँ पर उन्होंने स्नेज्ड किया, कहाँ पर उन्होंने छीना, कहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, कैसे उन्होंने व्यापार किया, वैसे ही डच इन इंडिया, तो डच कंपनी कैसे इंडिया में आई, उन्होंने कैसे व्यापार किया, इसके बारे में हम इस डच इन इंडिया पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द डच वर द रेसिडेंस ऑफ हॉलैंड, डच जो थे रेसिडेंस मतलब रहते थे, कहाँ रहते थे, हॉलैंड में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ 1602 में हॉलैंड में, किस लिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। फॉर्मड मीन्स बनना, निर्माण होना। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, और उन्होंने जल्दी ही अपना ट्रेड व्यापारी कार्य जो है वो पूरा एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में। कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द डच एंड द पुर्तगीज इन विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, और इसी व्यापार के कारण कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष युद्ध हुआ, किसके बीच में, अरोज बिटवीन द डच एंड द पुर्तगीज, पुर्तगियों और डचों के बीच में संघर्ष हुआ और उसमें पुर्तगीज को हार मिली, पुर्तगीज वर डिफीटेड। सून आफ्टर बहुत ही जल्द डच एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग हाउसेस, डच कंपनियों ने अपने व्यापारिक कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिए, एस्टेब्लिश कर दिए, स्थापित कर दिए इन द कोरोमंडल कोस्ट गुजरात, समुद्र तटीय इलाके कोरोमंडल गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा में भी उन्होंने अपने बिजनेस को, व्यापार को स्थापित कर लिया। देयर फर्स्ट फैक्ट्री कम अप एट मछलीपट्टनम, और उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी, कारखाना जो था, उन्होंने कहाँ स्थापित किया, मछलीपट्टनम में। द डच ट्रेडर चीफली इन स्पाइसेस, जो डच व्यापारी थे वो अधिकतर, चीफली मतलब अधिकतर, इन स्पाइसेस का व्यापार करते थे। इंडिगो, नील पौधा आता है उसका व्यापार करते थे। रॉ सिल्क, कच्चे रेशम का व्यापार करते थे। लेड, सूरमा, सूरमे का व्यापार करते थे। राइस, चावल का व्यापार करते थे। एंड ओपियम, अफीम का व्यापार करते थे। तो डच ज़्यादातर किस चीज़ का व्यापार करते थे, स्पाइसेस, मसालों का, इंडिगो, रॉ सिल्क, लेड, राइस एंड ओपियम, अफीम का व्यापार करते थे। द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पल्लीकट वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइंस पगोड़ा, जो मेन डच फैक्ट्री थी, जो प्रमुख डच फैक्ट्री थी वो थी पल्लीकट में, वेयर दे मिंटेड गोल्ड कॉइंस पगोड़ा, जहाँ पर एक सोने के सिक्के को ढाला जाता था और जिसको नाम दिया था पगोड़ा। क्या नाम दिया था, पगोड़ा। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स आर करेंसी इन इंडिया नोन एज पगोड़ा, डच कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया, क्या, सोने का सिक्का जिसका नाम क्या था, पगोड़ा। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी ए फेटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया तो प्रूव्ड टू बी ए फेटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया, तो जो भारत में डच कंपनी थी उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इंग्लिश एंड डच फॉट ए बैटल एट बेदारा इन 1759 इन विच डच वर डिफीटेड एंड लॉस्ट देयर फोर्सेस एंड देयर ट्रेड्स रिसीव्ड ए मेजर सेटबैक। इंग्लिश एंड डच फॉट ए, फॉट मतलब युद्ध, बैटल मतलब युद्ध, डच और ब्रिटिश लोगों के बीच में युद्ध हुआ जिसे बोलते हैं बेदारा का युद्ध, इन 1759 में, कब हुआ, 1759, इन विच डच वर डिफीटेड, और इसमें डच कंपनी जो है वो बुरी तरह हार गई। एंड लॉस्ट देयर फोर्सेस, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को खो दिया। एंड देयर ट्रेड रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक, और उन्हें वापस वहां से जाना पड़ा। स्लोली द इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी टू एंड इन इंडिया, और धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे भारत में धीरे धीरे जो है वो एंड होने लगा, उनका जो प्रभाव था वो खत्म होने लगा, उनकी कंपनियों का व्यापारिक चीज़ों का जो था
वो सभी धीरे धीरे नष्ट होने लगा। द ब्रिटिश इन इंडिया, अब हमने पढ़ लिया है पुर्तगीज इन इंडिया, डच इन इंडिया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा आता है द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया अंग्रेजों का शासन। लाइक अदर यूरोपियन नेशंस यूरोप के देशों के जैसे ही द ब्रिटिशर्स वर आल्सो कीन, ब्रिटिशर्स भी कीन, आल्सो कीन, कीन मीन्स होता है इच्छुक, इच्छुक थे कि इसलिए हैव ट्रेडर्स ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्मड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600। तो ब्रिटेन जो राजधानी थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया 31 दिसंबर 1600 को। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इश्यूड ए चार्टर प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग। और जो ब्रिटिश किंग थी, क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने इंग्लैंड में इश्यू किया चार्टर, घोषणा पत्र प्रोवाइड किया 15 सालों का एकाधिकार किया व्यापार के नाम पर। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेंड बाय, और जो फर्स्ट जहाज का कप्तान जो भारत आया था, हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया इन 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। जो फर्स्ट ब्रिटिश कैप्टन इंडिया आया था उसका नाम था हॉकिंस। कब आया था? ड्यूरिंग 1608 मुगल एम्परर जहांगीर के समय में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स में आपको कल क्लियर करूंगा, और इसके साथ ही आप साथ में बने रहेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप मैसेज करें व्हाट्सएप पर, या 10 से 12 में आप कॉल कर सकते हैं, और एनी प्रॉब्लम आप किसी भी समय आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।